हॉरर फिल्म्स नाम सुनते ही दिमाग में एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट हम लोग के दिमाग में होती है। बट डोंट वरी, मैंने एक ऐसी फिल्म देखी जिसके देखने के बाद अब बॉलीवुड के हॉरर जनर से आपका विश्वास उठ जाएगा। तो ये फिफ्थ इंस्टॉलमेंट है 1920 फ्रेंचाइजी की। पहले फिल्म आई थी 1920, उसके बाद 1920 इविल रिटर्न्स, फिर उसके बाद आई थी आपकी 1920 लंदन, फिर उसके बाद आई थी 1921, अब इसके बाद आई है 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट्स। तो आओ देखते हैं कितनी घटिया ये फिल्म। एक ना एक सीधी सादी परिवार की एक आम लड़की है जिसका एक अपना एक खूबसूरत सा बॉयफ्रेंड है जिसकी जिंदगी का सपना एक ही है, शादी करना और प्रेम भरी दुनिया से रहना। लेकिन अपने साथ वो प्रेमी साथ रहती है, फिर उसके बाद तो खबर मिलती कि उसके पिता का देहांत हो, यानी उसके पिता मर गए। और फिर उसके पिता मरते हुए एक डायरी छोड़ के जाते हैं, वो डायरी मेघना को मिल जाती है। वो डायरी में ये लिखा होता है कि उसकी जो माता है वही एक्चुअल में विलन है। और फिर वो अपने पिता की आत्मा का सहारा लेकर के बदला लेती है उनके परिवारों से, और उनकी जो मेन पॉइंट है यानी कि उनकी माता की एक बेटी है उसके ऊपर हॉरर अजम्पशन करते हैं, यानी कि उनके पिता जो है उसकी बॉडी को अपना होस्ट बना करके उससे परेशान करवाते हैं। तो इस घटिया फिल्म के लिए इतना काफी होगा। इस फिल्म में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। नंबर वन स्टोरी, आधा सच पूरा सच, मतलब इस फिल्म के प्लॉट में डायरी का आधा सच पूरा सच, इसमें जो भेल घुमाया कभी ये विलन कभी वो, एक्चुअल में हमको विलन पता है, ये भी स्टोरी का सबसे घटिया और वीक पॉइंट था। 1921 की एंडिंग, तो 1921 की एंडिंग में जब जी ने अपना गला काटकर अपना आत्मा से आत्मा ग्रहण कर निकाला था, तो वही सेम पैटर्न पे इसकी भी एंडिंग उतार दी गई। एंड 1920 लंदन का एलिमेंट ही इस्तेमाल किया गया, यानी कि वही वो पुराना किसी तरह घिसा पीटा हुआ बदला, एंड उसके बाद उस बदले से बदले भावना को बचाने के लिए प्रेम संभावना करण खुद की बलि देना, ये इस फिल्म में हमको यही देखने को मिला। नेगेटिव नंबर टू एक्टिंग, मेघना की जो एक्टिंग की है बेसिकली हमें इन्हें सीरियल्स में हमको देख सकते हैं एक्टिंग करते हुए, एंड बहुत ही शानदार एक्टिंग करती थी अपने टाइम पर। लेकिन इस फिल्म में इनके चेहरे पर एक्सप्रेशन ढूंढना जैसे कि आप मैथ के सब्जेक्ट में आंसर खोजते हैं, तो ऐसे ही इनके चेहरे पर एक्टिंग ढूंढना बिल्कुल ही मुश्किल काम है। और फिल्म भी घटिया, स्टोरी भी घटिया, कास्ट में कुछ कुछ काबिल थे जिसकी वजह से फिल्म देखने का मन किया, वरना फिल्म देखने का अभी मन नहीं करता। नेगेटिव नंबर थ्री वेयर इज गोस्ट, यानी कि फिल्म एटलीस्ट खत्म होने पर आई है, खत्म होने पाई, अब हमको पता ही नहीं भूत कहाँ है। भाई भूत यहाँ है वहाँ है, भूत तो दिखे, और हाँ जब हमको भूत दिख जाता है तो फिर उसके बाद वो भूत भूत ही नहीं लगता, वो लगता है कि मतलब आई कांट से, इससे अच्छा वो रूही का जानवी कपूर का भूत लगा मुझे। तो माई ओपिनियन फिल्म देखने लायक है या फिर नहीं, तो ऑब्वियसली ये फिल्म देखने लायक नहीं है। एंड इसकी फ्रेंचाइजी की मुझे दो ही फिल्में अच्छी लगी थी, पहली 1920 एंड दूसरी 1920 इविल रिटर्न्स। एंड अब इसकी फिल्म भी कास्ट की बात कर दूं, इस फिल्म में हमेशा हर एक नए टाइम पर एक खूबसूरत बड़ा हमको देखने को मिलती है। 1920 अदा शर्मा, 1921 सामने आपकी बंदी दिख रही होगी, 1920 एवेल्टन सामने आपके दिख रहे होंगे, 1921 जरीन खान, इससे खूबसूरत तो कोई भी नहीं। बस खूबसूरती के मामले में हर टाइम ये कुछ ना कुछ नया और अच्छा लाने की कोशिश करते हैं। हाँ अगर इस वीडियो से तुम कुछ प्रॉब्लम तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, शकील बोल शिकायत। अगली वीडियो मुलाकात होगी, बहुत जल्द।